नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जो सीरीज लेके चल रहे हैं 2011 टू 2023 के क्वेश्चंस के, जो 2024 के लिए यूजफुल है, आगे भी इसे टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता रहेगा। इसके जो कैटेगरी हम स्टार्ट कर चुके, उसके दो लेक्चर हमारे हो चुके, आज हम थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं और इसमें हम अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चंस जो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें हमें दिया गया है कि एक डब्लू भार की एक समान रस्सी समान स्तर के दो बिंदुओं के मध्य लटकी हुई है। ओके, हमें एक समान रस्सी दी हुई है जो दो बिंदुओं के मध्य क्या है, जिसको हमने लटका रखा है, जिसके निम्नतम बिंदु के ऊपर एक डब्लू डैश भार लगा हुआ है। यदि इसका जो हाईएस्ट और लोअर जो पॉइंट्स हमारे उच्च और निम्न बिंदु पर स्पर्श रेखाएं हम खींचे और ये क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल से जो झुकाव कोण है वो उच्च बिंदु तो अल्फा बनाए और निम्न बिंदु हमारा बीटा बनाए, तो हमें प्रूव करना है कि टेन अल्फा अपॉन में टेन बीटा इक्वल्स टू वन प्लस डब्लू अपॉन में डब्लू डैश। तो पहले हम इसे एक कैटेगरी बनाएंगे और वहां हम इसे शो करेंगे कि डायग्राम एक्चुअल में किस टाइप का है। तो ये हमारे दो पॉइंट्स हैं जो हमारा छेद, यहाँ दो पॉइंट्स ले लिए एक समान ऊंचाई पर, एक को हमने ए पॉइंट कह दिया, एक को हमने बी पॉइंट कह दिया। अब यहाँ इन दो पॉइंट से एक कैटेगरी बनी हुई है, ये हमने कैटेगरी बना दी कि प्रारंभिक स्थिति है इनिशियल कंडीशंस के अंदर, इसका जो निम्नतम पॉइंट है वो हमने सी कह दिया, और ये हमने मान लिया कि ये जो हमारे पास में कैटेगरी है, इस कैटेगरी की जो लेंथ है वो लेंथ हमने यहां से और यहां तक हमने एल मान ली। ओके, 2L लंबाई की हमने एक समान डोरी ले ली, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो C से A की डिस्टेंस L हो गई, C से B की डिस्टेंस हमारी L हो गई। ये हमने प्रारंभिक स्थिति की बात की। अब हमने क्या किया, अब हमने इसके जो निम्नतम बिंदु है, ये जो C बिंदु है, इसके ऊपर हमने W डैश भार लटका दिया। तो जैसे हम W डैश भार इस डोरी के ऊपर लटकाएंगे तो इस डोरी के अंदर तनाव होगा, और ये इस प्रकार जो डोरी लटकी हुई है ये बिल्कुल इस प्रकार से क्या होगी, एक तरह से खींची हुई पोजीशन में आ जाएगी। तो उस केस में यहां से ये डोरी हमारी खींचेगी और यहां से भी ये हमारी डोरी खींचेगी, और ये जो पॉइंट्स है इस पॉइंट्स के ऊपर हमारा जो भार होगा वो लटकेगा डब्लू डैश। ओके, तो ये W डैश बार हमारा लटक गया। अब हमने 36 बना दिया और ये W हमारा ये। अब ये क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अब हम एक तो इसका जो उच्च बिंदु है A और एक इसका जो निम्न बिंदु है, अब इस पोजीशन में हमने इसको L कह दिया, तो निम्न बिंदु के ऊपर जो स्पर्श रेखा हम खींचे और उच्च बिंदु के ऊपर जो स्पर्श रेखा खींचे, तो वो 36 के साथ ये एंगल बनाने चाहिए। तो हमने इसके उच्च बिंदु या हाईएस्ट जो पॉइंट्स है इससे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो उच्च बिंदु पर एंगल जो बना रहा है 36 के साथ वो हमारा अल्फा है, और निम्न बिंदु के साथ जो एंगल बन रहा है वो है हमारा बीटा। हमने मान लिया कि जो उच्च बिंदु की जो स्पर्श रेखा है, इस A के ऊपर जो तनाव आ रहा है डोरी में, वो हमने T कह दिया, तनाव या
स्ट्रेस, और इसका जो निम्न बिंदु है एल, इसके ऊपर जो तनाव या स्ट्रेस है उसको हमने टी वन से रिप्रेजेंट किया। अब ये डोरी एक समान है तो यहां पे भी जो स्पर्श रेखा हम ड्रॉ करेंगे ये भी हमारा सेम एंगल बनाएगा बीटा, ओके, और इसके अंदर भी सेम तनाव उत्पन्न होगा हमारा टी वन। अब ये जो कैटेनरी है, कैटेनरी की हम ये पोजीशन नहीं लेते, हम कैटेनरी किस प्रकार की लेते हैं, इस प्रकार की लेते हैं, इसका जो निम्नतम पॉइंट है उसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो क्षैतिज है उससे ऊंचाई हम स्मॉल सी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। तो हमने मान लिया कि इस प्रकार का जो पॉइंट है ये पॉइंट नहीं चाहिए हमें, हमें कैसा चाहिए, हमें इस प्रकार का राउंड अप वाला पॉइंट चाहिए। तो हमने मान लिया कि ये जो कैटेनरी बढ़ाने पर इसका जो निम्नतम बिंदु किसका, कैटेनरी की पोजीशन में, तो यहां से यहां तक हमें कैटेनरी मिले, हम यहां से यहां तक की कैटेनरी की बात कर रहे हैं, हमें इस प्रकार का पॉइंट निम्नतम बिंदु नहीं कहते हम कैटेनरी का, हम किस प्रकार का पॉइंट कहते हैं। तो इसके लिए हमने इसको क्षैतिज आगे तक बढ़ाया और इसको हमने सी डैश एस पॉइंट कहा कि वो पॉइंट सी डैश कैसा है इस कैटेनरी के निम्नतम बिंदु, ऐसे इसके लिए भी इसका जो निम्नतम बिंदु होगा वो यहां कहीं होगा। तो यहां हमने दो पॉइंट्स लिए हैं एक समान ऊंचाई के ऊपर ए बी, जिसका न्यूनतम बिंदु प्रारंभ में, जिसका न्यूनतम बिंदु क्या है हमारा सी, डब्ल्यू डैश बार लटकाने पर इसका न्यूनतम बिंदु हमारा एल है, और कैटेनरी इस ए का जो कैटेनरी का जो न्यूनतम बिंदु है वो हमने सी डैश कहते हैं। इसके उच्च बिंदु और लोअर बिंदु के ऊपर जो स्पर्श रेखा या टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो एंगल हमारे अल्फा और बीटा बना रहे हैं। अब यदि हम इस टी वन को, ये टी वन और ये टी वन, इसे यदि हम वियोजित करें तो हमने इसके पैरल इस एल पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारा लोअर पॉइंट और इसके पैरल हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये और ये लाइन और ये लाइन, ये कैसे है संगत कोण, करेस्पॉन्डेंस एंगल, तो ये एंगल हमारे इक्वल होंगे, तो ये एंगल हमारा बीटा है, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, बीटा होगा। इस T1 को हमें वियोजित करना है इसकी W डैश के इक्वल भार के लिए, तो ये बीटा एंगल है, तो ये एंगल कितना होगा हमारा, ये कंप्लीट एंगल हमारा 90 का है, तो ये बीटा 90 में से कम होगा, तो ये बनेगा हमारा 90 माइनस बीटा। तो इस T1 का इस डायरेक्शन में जो वियोजित भाग होगा, देखो कभी भी किसी भी फोर्स को यदि हम किसी डायरेक्शन में वियोजित करते हैं तो ये यदि हमारा एंगल इसके साथ अल्फा बना रहा है और यदि इस आर को हमें वियोजित करना हो तो जिसके साथ ये एंगल बनाएगा वो कोस के साथ लेते हैं, जैसे ये इस डायरेक्शन में होगा आर कोस अल्फा और ये 90 माइनस अल्फा है, तो इस डायरेक्शन में भी होगा ये आर कोस 90 माइनस अल्फा, आगे जाके ये आर साइन अल्फा बन जाता है। तो ऐसे हम इस टी वन को भी वियोजित करेंगे इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो हमें क्षैतिज के अंदर नहीं चाहिए, हमें ओरिजोनटल में नहीं चाहिए, हमें वर्टिकल पोजिशन में चाहिए क्योंकि डब्ल्यू डैश हमारा वर्टिकली अप्लाई हो रहा है। तो T1 ये रहा, इसका इस डायरेक्शन में एंगल कितना है 90 माइनस बीटा, और कोस 90 माइनस बीटा क्या होता है हमारा साइन बीटा, तो इस T1 के कारण ये हमारा T1 साइन बीटा होगा। ऐसे ही इस T1 के कारण भी हमारा ये इस डायरेक्शन में T1 साइन बीटा होगा, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यदि इस कैटेनरी का टोटल भार हमें कैपिटल W दिया हुआ है तो टोटल भार हम कैसे निकालेंगे, इसके एकांक लंबाई के भार को इसकी टोटल लंबाई से मल्टीपल कर दें, तो एकांक लंबाई का भार या पर यूनिट लेंथ जो वेट है हमारा वो हमने स्मॉल W लिया और इसकी टोटल लंबाई कितनी है हमारी 2L, तो इसको 2L से मल्टीपल करेंगे तो हमें इस एक समान जो डोरी है उसका हमें भार मिल जाएगा।
ओके, तो लिखिए इसके अंदर, माना ए तथा बी, माना ए तथा बी दो एक समान ऊंचाई पर स्थित बिंदु हैं जिनके मध्य 2L लंबाई व कैपिटल W भार की एक समान रस्सी लटकी हुई है जिसका प्रारंभिक स्थिति में या इनिशियल पोजीशन जिसका प्रारंभिक स्थिति में निम्नतम बिंदु कैपिटल C है। बिंदु कैपिटल सी पर W डैश भार लटकाने पर इसका निम्नतम बिंदु L हो जाता है, तब माना AL को C डैश बिंदु तक बढ़ाने पर कैटेनरी AL का निम्नतम बिंदु C डैश है। अब नेक्स्ट टाइम लिखिए, बिंदु A तथा L पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्षैतिज के साथ क्रमशः कोण अल्फा तथा बीटा बनाती हैं। नेक्स्ट लाइन लिखिए, बिंदु ए तथा एल पर डोरी में तनाव माना कैपिटल टी व टी वन है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, यदि डोरी के एकांक लंबाई का भार स्मॉल डब्लू है, तब कैपिटल डब्लू बराबर डब्लू इंटू टू है, इसे आप इक्वेशन वन दे दीजिए। नेक्स्ट लाइन लिखिए, बिंदु एल पर तनाव डोरी बी एल व डोरी ए एल के T1 T1
ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर ये डब्लू डैश है हमारा, ये डब्लू डैश का मान क्या होगा, इस डोरी का तनाव और इस डोरी के तनाव का वियोजित भाग दोनों इसके बराबर होंगे, कब होंगे, साम्यावस्था की स्थिति में, ओके, जब ये बैलेंस है, संतुलन की स्थिति में, उस पोजीशन में डब्लू डैश का मान होगा हमारा, ये T1 sin बीटा, ये T1 sin बीटा दोनों सेम है तो ये बनेगा 2T1 sin बीटा, और इसे हम ऊर्ध्वाधर है तो ऊर्ध्वाधर को हम किस रूप में भी जानते हैं, 2WS भी हम इसे लिख सकते हैं, जहां ये S क्या है, C डैश से L की लंबाई, जहां ये S क्या है हमारा, C डैश से L की लंबाई, तो इसे आप इक्वेशन सेकंड कह दें और बता दें कि यहां स्मॉल S C डैश से L की लंबाई है, C डैश से L की लंबाई है, ये हमारे पास में इक्वेशन सेकंड है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से 2W की वैल्यू रिप्लेस करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, W डैश इक्वल्स टू इस 2W का मान हम यहां से रखेंगे तो ये बनेगा कैपिटल W अपॉन में L, ओके, 2W का मान बन जाएगा हमारा कैपिटल W अपॉन में L और ये हमारा S, इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हम क्या जानते हैं, हमारे पास में जब एंगल है तो हम जानते हैं फॉर्मूला, सिंस S इक्वल्स टू C tan साइन, ये हमारे पास में एंगल और S के अंदर रिलेशन होता है, तो यहां इस L बिंदु के ऊपर क्या होगा, L बिंदु के ऊपर जो कर्व है उसकी लेंथ कितनी है S, और A बिंदु के ऊपर कर्व की लेंथ कितनी हो जाएगी, S प्लस L, तो बिंदु L पर L पर हमारा S है C tan, क्या एंगल बन रहा है L के ऊपर, बीटा, तो C tan बीटा इक्वेशन नंबर 4, और बिंदु A पर, तो बिंदु A पर कर्व की लेंथ क्या है, S plus L equals to C tan alpha, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में L की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से इक्वेशन 5 में से 4 को माइनस किया तो L equals to C कॉमन आ जाएगा, tan alpha minus tan beta, ये हमारे पास में वैल्यू आएगी। अब हम इसे C को और यहां से मान निकालें C का, तो C का मान है हमारे पास में यहां से इक्वेशन 4 से C का मान क्या लिख सकते हैं, S अपॉन में tan beta, तो इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 4 एंड 6 से जो L है वो बनेगा हमारा, इस C का मान रख देंगे हम S अपॉन में tan बीटा tan अल्फा माइनस tan बीटा, और ये जो हमारा S है इस S का मान हम इक्वेशन 3 से रख देंगे तो ये बनेगा हमारे पास में, S का मान बनेगा W डैश L अपॉन में कैपिटल W, ओके, W डैश L अपॉन में कैपिटल W, ये S का मान आ गया, इसकी जगह मान रख दिया हमने और इस tan बेटा को हमने अंदर शिफ्ट कर दिया तो ये बना हमारे पास में tan alpha tan beta minus 1।
अब इस L से हम L को कैंसिल कर दें, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें W ऊपर W डैश नीचे चाहिए, तो इसको कैंसिल करके W और W डैश को हम इस तरह शिफ्ट कर देंगे, तो W अपॉन में W डैश का मान क्या आया हमारा, tan अल्फा tan बीटा माइनस वन। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इस वन को भी इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास में वेरीफाई हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ, इसको हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं आए हुए वो हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें हमें दिया हुआ है एल लंबाई की एक समान जंजीर दो बिंदु ए तथा बी के मध्य लटकी हुई है, जिनके मध्य क्षैतिज दूरी हमें स्मॉल ए तथा बी व ए के ऊपर ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई है वो हमें बी दी हुई है। सिद्ध कीजिए कि कैटेगरी का जो प्राचल या पैरामेट्रिक निम्न से प्राप्त होगा, यहां से हमें जो पैरामीटर क्या है कैटेगरी का स्मॉल सी होता है, जो इस समीकरण से हमें मिलना चाहिए। तो यहां हमें दिया हुआ है कि दो जो पॉइंट है ए और बी, उनके बीच में एक कैटेगरी हमारी लटकी हुई है और बी तथा ए के ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तो एक पॉइंट हमने बी ले लिया और एक पॉइंट हमने ए ले लिया, इसको हमने ए, इसको हमने बी ले लिया। ओके, अब इनके जो पॉइंट्स हमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिया हुआ है, तो हमने इसके पॉइंट्स मान लिए, एक का हमने x1 y1 मान लिया कि ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और b के जो पॉइंट्स हैं वो है हमारे x2 y2। तो हमें जो दिया हुआ है उसके लिए हमने b पॉइंट्स इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ऐसे हमने a पॉइंट्स इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये दिया हुआ है कि ए और बी के बीच की जो क्षैतिज दूरी है, ए और बी के बीच जो क्षैतिज दूरी हमें वो स्मॉल ए दी हुई है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमें ए दी हुई है, और बी से ए के बीच की जो ऊंचाई है वो हमें बी दी हुई है, तो ये हमें बी मान दिया हुआ है। अब हम इसे कैटेगरी के फॉर्मूले से हमें इसे वेरीफाई करने के लिए हमें इसका न्यूनतम बिंदु चाहिए, तो हमने मान लिया कि इस कैटेगरी को बढ़ाने पर इसका जो न्यूनतम बिंदु है वो यहाँ कहीं आता है, और इसको हमने कैपिटल सी कह दिया, और इस कैपिटल सी से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हम फिक्स रखते हैं हमेशा स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, तो ए हमारा इसका निम्नतम सिरा है, बी इसका, ए और बी के बीच में हमने एक समान जंजीर को लटकाया हुआ है, और इस कैटेगरी का निम्नतम बिंदु हमने सी कह दिया, और ए और बी के बीच की क्षैतिज दूरी हमारी स्मॉल ए और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमारी स्मॉल बी है। ओके, तो लिखिए इसमें माना स्मॉल एल लंबाई की, माना स्मॉल एल लंबाई की एक समान जंजीर दो बिंदु ए तथा बी के मध्य लटकी हुई है, जिनके मध्य क्षैतिज दूरी स्मॉल ए तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई स्मॉल बी है। माना कैटेगरी ए बी का निम्नतम बिंदु
कैपिटल सी है, कैपिटल सी है। अब यहां हमने इस डायग्राम के बारे में इसको बता दिया। अब यहां पे दो फॉर्मूले हमें यूज में ले रहे हैं, एक तो हमें क्षैतिज लंबाई के लिए और एक हमें ऊंचाई के लिए वाई के लिए। तो यहां एक्स और वाई के लिए हम वैल्यू लेंगे, तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होगा, एक तो एस का मान लेंगे हम सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, और एक होता है हमारा y इक्वल्स टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। ये दो फॉर्मूले होते हैं जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रखा है। इन दो फॉर्मूलों की हेल्प हम यहां देंगे और इनकी हेल्प से हम इसे वेरीफाई करेंगे। तो बिंदु ए के ऊपर, बिंदु ए पर, तो ए पर हमने ये भी मान लिया कि इस सी पॉइंट से ए के बीच की जो कर्व की जो लेंथ है वो हमारी एस है। ओके, तो बिंदु ए के ऊपर क्या होगा हमारा, एस इक्वल्स टू सी साइन हाइपरबोलिक, और इस ए के ऊपर एक्स का मान क्या है हमारा, एक्स वन, तो एक्स वन बाई सी, एक्स वन बाई सी, जहां लिख लेंगे जहां स्मॉल एस, जहां स्मॉल एस सी व ए के, सी व ए के बीच दूरी है, सी व ए के बीच दूरी है। ये हमारे पास में एस का मान आ गया, किसके लिए, बिंदु ए के लिए। ऐसे ही हम बिंदु बी के ऊपर देखें तो बी पर कितना हो जाएगा हमारा कर्व, एस प्लस एल, एस प्लस एल इक्वल्स टू सी साइन हाइपरबोलिक, और यहां एक्स का मान क्या है हमारा, एक्स टू बाई सी। अब वही इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमें एक बार एल का मान निकालेंगे, एक बार बी का मान निकालेंगे, यहां रख देंगे, हमें वेरीफाई हो जाएगा। तो इक्वेशन फोर में से हम थर्ड को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, एल इक्वल्स टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स टू बाई सी माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स वन बाई सी। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर फाइव। ऐसे हम y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बिंदु a के लिए और बिंदु b के लिए, और वहां से हम b का मान निकालेंगे। बिंदु a पर y, तो y का मान क्या है बिंदु a पर, y1, तो y1 इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x का मान बिंदु a पर क्या है, x1, एंड बिंदु B पर y2 का मान होगा हमारा c cos हाइपरबोलिक x2 by c। अब हम 7 में से 6 को माइनस करें, 7 माइनस 6, तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी y2 माइनस y1 इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x2 by c माइनस कोस हाइपरबोलिक एक्स वन बाई सी। और वाई टू माइनस वाई वन, देखो वाई टू माइनस वाई वन का मान कितना है, यहां से यहां तक की ऊंचाई और ये हमारी बी, तो ये बनेगा हमारे पास में बी। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर एट। हमारे पास बी का मान आ गया, हमारे पास एल का मान है, हमें एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, तो 5 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो इक्वेशन 5 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इंप्लाइज, यहां से बनेगा हमारा l स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू, ये c और ये c दोनों में कॉमन है तो c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां इसका स्क्वायर होगा तो sin हाइपरबोलिक x2 by c माइनस sin हाइपरबोलिक x1 by c का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे कोस हाइपरबोलिक एक्स टू बाई सी
x2 by c minus cos hyperbolic x1 by c का होल स्क्वायर। ओके, ये हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहां बनेगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक x1 का स्क्वायर, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x2 by c और यहां से आएगा हमारा माइनस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x2 by c c स्क्वायर बाहर, ऐसे इसके साथ तो प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 by c यहां से माइनस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 by c, ये माइनस का बनेगा हमारा 2 साइन हाइपरबोलिक x2 by c साइन हाइपरबोलिक x1 by c, यहां ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो प्लस कोस हाइपरबोलिक x2 by c कोस हाइपरबोलिक x1 by c, ये हमारे पास में वैल्यू आएगी। इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तब तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू है, तो इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यहां हमारे पास में ये वैल्यू होती है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसका मान 1 होता है, और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसका मान कोस हाइपरबोलिक 2x होता है। ओके, ये इसमें चेंज होते हैं हाइपरबोलिक में, तो ये कोस हाइपरबोलिक माइनस साइन हाइपरबोलिक 1 होगा, तो इसको हम माइनस 1 लिख सकते हैं, ऐसे ये मान हमारा माइनस 1 होगा, और यहां पे हमारे पास में वैल्यू तो माइनस का 2 और यहां माइनस माइनस प्लस होगा तो ये माइनस में आ जाएगा हमारा, और यहां हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में और ये हमारा माइनस में रहेगा, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी फॉर्मूला होगा, तो इसमें जैसा साइन होता है बीच में वैसा ही कोस पे मान होता है, तो ये बनेगा हमारा प्लस का 2 कोस हाइपरबोलिक x2 माइनस x1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि कोस में माइनस कॉमन लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, इसे कोस हाइपरबोलिक माइनस थीटा भी कोस हाइपरबोलिक थीटा होता है, तो ये हमारा माइनस वन माइनस वन माइनस का 2 होगा, ये हमारा 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 सी स्क्वायर यहां से बनेगा हमारा कोस हाइपरबोलिक cos hyperbolic x2 minus x1 by c, और x2 minus x1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो a लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा a by c, और ये हमारा माइनस का 1, इसमें उल्टा होता है, वहां पर 1 minus cos से 2 थीटा हमारा 2 sin square थीटा होता है, यहां cos hyperbolic x माइनस 1 हमारा 2 sin हाइपरबोलिक बनता है, तो ये 2 और ये 2 हमारा बनेगा 4 c स्क्वायर sin हाइपरबोलिक स्क्वायर a by c a by c। अब हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये 4 c स्क्वायर से बन जाएगा हमारा 2 c sin हाइपरबोलिक a अपॉन में, और थीटा का हाफ होगा तो ये हाफ हो जाएगा हमारा 2 c। ओके, इस थीटा का हाफ होगा तो ये होगा a अपॉन में 2c, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। अब हम नेक्स्ट जो आया हुआ क्वेश्चन है वो हम लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसी का हाफ पार्ट 2021 और 2022 में भी पूछा गया है, तो इसी क्वेश्चन से वो क्वेश्चंस भी हम इजीली समझ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन ने हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक टेलीग्राफ तार एक दी धातु से बना है, टेलीग्राफ तार जिसे ये लाइन के जो तार होते हैं इनकी बात की जा रही है, यहां पर जो तारों की लंबाई है वो ज्यादा होती है बजाय उनकी ऊंचाई से,
तो उस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। तो यहाँ पे हमें टेलीग्राफ तार एक धातु से बना हुआ है, इसकी जो लंबाई है वो ए लंबाई है इस तार की। ए लंबाई को दो समान ऊंचाई के डी दूरी के दो खंभों से खींचकर इस प्रकार बांधा है कि खंभों पर न्यूनतम तनाव होगा। तो ये जो भी हमारे लाइन के जो तार होते हैं उनको कहां से, खंभों के माध्यम से हम एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाते हैं। ऐसे दो खंभे हमारे पास में, उनके बीच में हमने एक ए लंबाई की क्या कर दी, सपोज ये हमारे दो खंभे हैं, इनके बीच हमने एक ए लंबाई की जो तार है उसको हमने खींच के बांध दिया, तो इसमें झुकाव काफी कम होता है। और मान लिया कि इसका जो न्यूनतम जो पॉइंट है हमारा वो सी है, ये हमने न्यूनतम पॉइंट कह दिया, और ये खंभों के बीच की डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक देखो खंभों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी डी बाई टू। तो ये दो खंभे हैं हमारे, एक को हमने ए कह दिया, एक को हमने बी कह दिया, इस पॉइंट को हमने सी मान लिया। ओके, समान ऊंचाई के दो खंभे हैं, तो ये समान ऊंचाई के, तो यहां से यहां तक ये यदि क्षैतिज की हम बात करें तो ये यदि y है तो ये भी हमारा क्या होगा, y होगा। खींचकर इस प्रकार बांधा है कि खंभों पर न्यूनतम तनाव हो। तो मान लिया हमने कि इस खंभे के ऊपर b पे तनाव t है और इसके ऊपर भी तनाव t है, क्योंकि दोनों की ऊंचाई सेम है, तो जो तार है वो दोनों के ऊपर समान खिंचाव महसूस करेगा, तो दोनों के ऊपर हमने तनाव क्या मान लिया, t मान लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एल है इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी दी हुई हमें एल, तो इस सी से जो लंबाई होगी बी की वो एल बाई टू, ऐसे ही ए से सी के बीच की जो तार की लंबाई होगी वो भी हमारी एल बाई टू होगी। तो ये जो एल है वो इसके इक्वल होगा डी बाई लैम्डा साइन हाइपरबोलिक लैम्डा के, जहां लैम्डा इस समीकरण का पार्ट है से प्राप्त होगा। तो यहां हमें दिया हुआ क्या है, न्यूनतम तनाव दिया हुआ है। तो जब भी हम मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं तो हम इक्वेशंस प्राप्त करते हैं और उस इक्वेशंस का डेरिवेटिव को जीरो बना करके वहां से हम चरम बिंदु या एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालते हैं, और वो बिंदु हमें मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू देते हैं। ओके, तो पहले हम एक इक्वेशंस बनाएंगे, उसके बाद हम यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेंगे। तो मिनिमम और मैक्सिमम किसकी बात कर रहा है, तनाव की बात कर रहा है टी की, तो हम इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां पर जो हम फॉर्मूला यूज लेंगे, एक तो लेंगे हम वाई इक्वल्स टू सी कोस हाइपरबोलिक x by c, ये फॉर्मूला। दूसरा हम जानते हैं कि जो t है वो t क्या होगा हमारा, t होगा हमारा w y के इक्वल, और थर्ड जो होगा हमारा वो लेंगे हम s बराबर c sin hyperbolic x by c। तो इसको हमने इक्वेशन वन कह दिया, इसको हमने सेकंड कह दिया, इसको हमने थर्ड कह दिया। तो पहले हम इन दो की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन वन एंड टू से जो टी है, टी का मान क्या होगा डब्लू, और ये जो वाई, डब्लू क्या है तार के काम लंबाई का भाग, तो वाई क्या है, वाई का मान है हमारा सी कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, और यहां पर जो एक्स है उस एक्स का मान क्या दिया हुआ है हमें डी बाई टू, तो ये मान हम यहां पर रख देंगे तो हमें मिलेगा d by 2c, d by 2c हमारे पास में d by 2x का मान, c हमारा अपॉन में, ये हमारे पास में t का मान आ गया, इसको देंगे हम इक्वेशन 4। अब हमें इसको मिनिमम मान निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव किसके ऊपर करेंगे, जो पैरामीटर होगा, पैरामीटर क्या है हमारा c है, तो इसका हमने c के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। तो dt by dc
इक्वल्स टू डब्ल्यू हमारा कॉन्स्टेंट है, एक बार इस सी का करेंगे तो वन हो जाएगा, तो कोस हाइपरबोलिक डी बाई टू सी हमारा ऐसे एटीज, और एक बार हम इस सी को एज इट इज रखेंगे और कोस हाइपरबोलिक का करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक टैन हाइपरबोलिक तीनों के डिफरेंशिएशन प्लस में होते हैं, कोट सेक कोसेक हाइपरबोलिक तीनों के माइनस में होते हैं, साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक टैन हाइपरबोलिक तीनों के डेरिवेटिव प्लस। इसका जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा हमारा, इस बार सी हमारा एज इट इज रह जाएगा, कोस हाइपरबोलिक का करेंगे तो कोस हाइपरबोलिक का होगा हमारा साइन हाइपरबोलिक डी बाई टू सी, और इस डी बाई टू सी का करेंगे तो डी बाई टू तो हमारा कॉन्स्टेंट है, वन बाई सी का करेंगे तो वन बाई सी का होगा सी के रेस्पेक्ट में माइनस का वन बाई सी स्क्वायर, तो डी बाई टू कॉन्स्टेंट और ये हो गया हमारा माइनस का वन बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ से इस सी से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और हम मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, डी टी बाई डी सी को जीरो के इक्वल लेके चलते हैं, तो जैसे हम जीरो के इक्वल लेके चलेंगे तो डब्लू कोस हाइपरबोलिक डी बाई टू सी ये सी कैंसिल होगा तो माइनस का डी बाई टू सी साइन हाइपरबोलिक डी बाई टू सी इसका जो मान है वो जीरो के इक्वल होगा। अब W हमारा जीरो की तरफ शिफ्ट होगा, कांस्टेंट है तो जीरो बन जाएगा, यहां से बनेगा हमारा cos हाइपरबोलिक d by 2c और इसको हम इस साइड भेजेंगे तो ये बनेगा d by 2c sin हाइपरबोलिक d by 2c। अब इस cos को इसके नीचे और d by 2c को हम इधर शिफ्ट करें तो ये बनेगा हमारे पास में tan हाइपरबोलिक d by 2c equals to 2c by d, 2c by d ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये हमारे पास में वैल्यू आएगी, इससे देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 2021 और 2 के अंदर जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन सेकंड था, इसमें हमें दिया हुआ था कि यदि एक समान ऊंचाई के दो बिंदुओं से एक समान लंबाई की एक जंजीर इस प्रकार लटकी हुई है कि, तो इसकी जो विस्तृति है वो 2D के लिए बिंदुओं पर तनाव न्यूनतम है, तो यहाँ विस्तृति दी हुई है, विस्तृति का मतलब A और B के बीच की दूरी, यहाँ पे हमें D दिया हुआ है और इसके अंदर हमें 2D दिया हुआ है, इतना ही फर्क है। इसमें भी हमें पूछा है कि 2D के लिए बिंदुओं पर तनाव न्यूनतम है, यहाँ पे हमें तनाव न्यूनतम पूछा गया है, तो प्रदर्शित कीजिए कि जो C हमारा वो निम्न समीकरण से प्राप्त होगा, यहाँ कोट डी बाई सी इक्वल्स टू डी बाई सी ये हमें दिया हुआ है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ कोट हाइपरबोलिक भी आएगा, कोट हाइपरबोलिक डी बाई सी। ओके, तो ये हम यहाँ से इसको इजीली वेरीफाई कर लेंगे, हमें सेम टू सेम करना है, बस डी की जगह हम डू डी करेंगे, तो ये जो डी बाई सी था हमारा डी बाई टू सी इसकी जगह डी बाई सी होगा, तो यहाँ डी की जगह क्या रखना होगा हमें 2D, तो ये बनेगा हमारा कोट हाइपरबोलिक 2D रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा हमारा डी बाई सी इक्वल्स टू, यहाँ कोट हाइपरबोलिक करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा 2C नीचे आएगा, और डी की जगह 2D करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होके डी बाई सी बनेगा। ओके, तो इजीली हमारा यहाँ तक वेरीफाई हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन में हमें सेम टू सेम करना है, यहाँ तक करना है, और बस डी की जगह हमें क्या करना है 2D लिख करके इसको सॉल्व करना है। अब हम इसके एग्जांपल्स पे वापस से आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें यहाँ तक हमने वेरीफाई कर लिया इस चीज को, अब हमें ये कह रहा है कि ये जो हमारा मान है वो इस समीकरण जैसा होना चाहिए, तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, इस डी बाई टू सी को इधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि इक्वल में क्या आ रहा है हमारा 1, तो यहां से हमने इसको लिखा तो डी बाई टू सी टेन हाइपरबोलिक डी बाई टू सी इक्वल्स टू 1। अब इसे इस समीकरण में लेने के लिए हमने डी बाई टू सी को लैम्डा मान लिया, तो डी बाई टू सी इक्वल्स टू लैम्डा, तो ये क्या बनेगा हमारे पास में लैम्डा
टेन हाइपरबोलिक लैम्डा इक्वल्स टू वन। तो ये समीकरण तो हमारे पास में आ गया। अब हमें ये मान चाहिए एल का, तो ये मान हम इस समीकरण से लेके आएंगे। यहां एस है तो एस का मान कितना दिया हुआ है, कर्व का मान एल बाई टू। तो समीकरण तीन में एस की जगह एल बाई टू रखेंगे और एक्स की जगह मान क्या है हमारा डी बाई टू। एक्स बराबर डी बाई टू रखने पर तो समीकरण तीन में एस की जगह एल बाई टू और एक्स की जगह हम डी बाई टू रखेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी यहां से ये बनेगा हमारा एल बाई टू इक्वल्स टू सी साइन हाइपरबोलिक डी बाई टू सी। ओके डी बाई टू सी। अब यहां एल है, इसमें d बाई लैम्डा लाने के लिए हमने क्या केस 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो l इक्वल्स टू 2c अपॉन में लैम्डा है तो हमने क्या किया, लैम्डा क्या है हमारा d बाई 2c, तो हमने d से ऊपर नीचे इसको मल्टीपल कर दिया। कर सकते हैं d से d कैंसिल होगा, ये मान आएगा हमारा और sin हाइपरबोलिक d बाई 2c। अब d by 2c हमने लैम्डा मान रखा है तो ये मान रखेंगे तो l equals to d lambda sin hyperbolic lambda। ओके तो ये हमें मान निकालना था कि l का जो मान है तो d by lambda होगा हमारा, यहां 2c by d है तो d by 2c हमारा 1 by lambda हो जाएगा। तो l का जो मान है हमारा वो होगा हमारा d by lambda sin hyperbolic lambda। तो ये हमारे कैटनरी में अब तक 2011 to 2020 तक आए हुए सभी क्वेश्चन हमने वेरीफाई कर लिए। जैसे आगे और आएंगे, आगे हम लेक्चर्स के अंदर और इसको इंक्लूड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके तो ये हमने स्टैटिक्स के जो फ्रिक्शंस के थे उसके हमने कंप्लीट वीडियो सीरीज डाल दी, जो अब तक आए हुए भी थे और बिना आए हुए जो उनके आने की संभावना थी। ये एक कॉम्प्लिकेट सा टॉपिक रहता है तो इसकी हमने कंप्लीट ही सीरीज रखी है ताकि स्टूडेंट्स के कोई डाउट्स न रहे। ओके तो ये हमारे स्टैटिक्स के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके जो डायनेमिक्स एलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स है उसका भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद।